क्या चौहान मिल रहा है सामने? मिस्टर महेश्वरी इज अ प्रोप्राइटर ऑफ ओशियाना लॉन्ड्री। ओके, सीमा का ही समय। ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलो, अब रिसिप्ट दिया हुआ है। रिसिप्ट मतलब इनकम एंड द पेमेंट दैट इज अ एक्सपेंस। कैश ऑन हैंड, ओपनिंग कैश, कैश तो असेट्स है, कैश तो असेट्स है, तो इग्नोर, यू आर नॉट टेकिंग द असेट्स। अब ऊपर क्या बोला था, ओशियाना लॉन्ड्री है, तो उनका बिजनेस लॉन्ड्री का है, तो लॉन्ड्री से रिलेटेड वर्ड ही उसके अंदर रहने वाले हैं। दैट विल बी इनकम और एक्सपेंस। अब लॉन्ड्री रिसिप्ट इनकम। ओके, आयरनिंग रिसिप्ट इनकम। लॉन्ड्री तो आयरनिंग इज अ पार्ट ऑफ। ओके, एंड देन रिफंड फ्रॉम द LIC ऑन द LIC लाइफ पॉलिसी। अभी क्या लॉन्ड्री से रिलेटेड है? नो, ऐसे वो एग्जेम्प्टेड इनकम है। क्यों? एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम 1010D तो एग्जेम्प्ट है। रिफंड फ्रॉम LIC ऑन द लाइफ पॉलिसी मतलब व्हाट? रिफंड मतलब मैच्योरिटी पे अमाउंट आपको मिला, तो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC। ऐसे इसका तो जरूरत ही नहीं समय बोलने का मेरे को, क्योंकि हम लोग खाली बिजनेस के इनकम क्या क्या उसको सेलेक्ट कर लो बस, फिर वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिफंड फ्रॉम LIC दिया मतलब मैच्योरिटी डेट पे LIC का मैच्योरिटी अमाउंट मिला आपको। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC इट इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010D। आई एम विनिंग फ्रॉम लॉटरी का अदर सोर्स है, बराबर ना? हम लोग प्रॉफिट लॉस में रहता था, क्या करते थे, ये दोनों आइटम को नॉन बिजनेस इनकम रहता था, राइट ना? बट अब ये रिसीव पेमेंट अकाउंट है, तो हम लोग ये सब सोचना ही नहीं, खाली बिजनेस, खाली कॉन्सनट्रेट करना है बिजनेस से क्या कनेक्टेड आइटम बस। तो कौन सा आइटम कनेक्टेड है? लॉन्ड्री रिसिप्ट और आयरन, बस ये दो ही इनकम है, बस बस बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। लेट कम टू द पेमेंट साइड। अब खर्चा भी होएगा, अब वॉशिंग चार्ज है, यस देयर इज अ एक्सपेंस है। सैलरी, स्टाफ को अपॉइंट हुआ था, सैलरी एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। रेंट, यस एक्सपेंस है। कॉम्पनसेशन टू द लॉस ऑफ क्लोथ, यस कभी कभी कुछ चोर लोग हैं जो दूसरे का कपड़ा भी लेके चले जाते हैं, ओके ना, फिर वो उनको भरना पड़ता दूसरे का जिसका ओरिजिनली कपड़ा था वो। कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ क्लोथ, बिजनेस है हाँ। इनकम टैक्स डिसअलाउड, तो ऐसे भी हम लोग उसको कंसिडर ही नहीं करने वाले हैं। पर्चे लॉटरी टिकट इज नॉट कंसर्न। टेलरिंग चार्जेस, यस ओके। तो जो लॉन्ड्री शॉप होता है, समटाइम आ रहे वो रफू कराना, कुछ तरह का जो वर्क होता है उसके अंदर, ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ। सैंड्री एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंस, यस इज अ पार्ट ऑफ। एंड क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग कैश, इग्नोर। क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग कैश, जस्ट इग्नोर। कंप्यूट द टैक्सेबल बिजनेस इनकम फ्रॉम मिसेस महेश्वरी फॉर द असेसमेंट ईयर, बस। तो रिसिप्ट पेमेंट नॉर्मल मच ईजियर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि खाली बस हम लोग को चूज करना है उसमें से। चल, रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है बच्चों। अब रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या है? लॉन्ड्री रिसिप्ट है, यस वी विल टेक। लॉन्ड्री रिसिप्ट कितनी आए? 1,40,000। और क्या है? आयरन रिसिप्ट, $30,000। बस और कुछ है क्या? नहीं। बस तो 1,70,000, ठीक है इतना। चलो, पेमेंट ऑफ बिजनेस, हाँ लेस लेस पेमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का क्या क्या खर्चा हो सब ले लो। वॉशिंग चार्जेस, तो वॉशिंग चार्ज कितना है? 90,000 है। सैलरी 25, उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,000, देन रेंट 12,000, उसके बाद कॉम्पनसेशन
कितना 12,000 रेंट भी 12,000 था हाँ। इनकम टैक्स इग्नोर, परचेज इग्नोर, लॉटरी इग्नोर, टेलरिंग चार्जेस टेलरिंग चार्ज कितना 3,600 और सन्ड्री एक्सपेंस, संडे एक्सपेंस कितना भाई 1200 बस 1498 कोई तो 150 बोल रहा था बराबर देख ला बंदरी बोलिए और मेघा बोलिए और उसे ऐसे 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 साधना रे पचास 20,200 वेट करो आगे मत भागना यहाँ तक तो हो गया इसके बाद फिर लिखते हैं लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम वो सब करते हैं बट इस समय कुछ भी नहीं है ठीक है ना अच्छा लगा रही सब समझा नहीं लेकिन ये क्या हो गया इनकम फ्रॉम चले बिजनेस का लिखा गया प्रोफेशन बस नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराधा पौडवाल अब प्लेबैक सिंगर जैसे जैसे मैंने अनुराधा पौडवाल बोला चलो मैं इंटरेस्टेड क्या दिया भाई इंटरेस्ट आगे क्या भाई हर अकाउंट्स इंटरेस्ट बता था गिवन प्रोवाइड हर अकाउंट कंप्यूट द इनकम ओके चलो उसमें जो डेटा दिया हुआ ईयर दिया 1920 और 2020 छोड़ दो ईयर से क्या मतलब इसे समझ हम लोग को करना ही है सुडाई को क्या एनालिसिस ऑफ बैंक अकाउंट मिला कहीं पे एनालिसिस ऑफ बैंक अकाउंट रिवील द फॉलोइंग बैंक अकाउंट मतलब होता है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट ना ये जो रिसीप्ट पेमेंट है उसको ही बोलते हैं कैश बुक अच्छा बोल रही है रिसीप्ट पेमेंट को रिसीप्ट रसीद पैसे आ रहा है पेमेंट में पैसे आ रहा है तो कैश बुक तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट को ही कैश बुक बोलते हैं तो देखिए मैंने इधर कॉर्नर में दिया हुआ है एनालिसिस ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल तो बैंक अकाउंट डिटेल मतलब अल्टीमेटली रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट लेकिन अब उधर पे उन्होंने नट टी फॉर्म में दिया वो आपको वर्टिकल फॉर्म में दे दिया है क्या क्या है देखो कंसर्न रिसिप्ट ये क्या है बिजनेस है प्रोफेशनल है प्रोफेशनल है क्योंकि प्लेबैक सिंगर है ओके तो कंसर्न रिसिप्ट क्या है उसका इनकम हो गया रिसिप्ट फ्रॉम द फिल्म प्रोड्यूसर इनकम रॉयल्टी फ्रॉम द एच एम एंड म्यूजिक इंडिया यस तो जो आपका जो एल्बम वल्बम बनता है तो उसको आप रजिस्टर कराने पाए अपने किसी को मीन्स यूज़ करने के लिए दिए हो तो आपको रॉयल्टी प्रोवाइड कर रहा है अपना बागवान पिक्चर 10 लाख रुपये चेक मिलता है ना हाँ बस वही रॉयल्टी अमाउंट फ्रॉम एल आई सी एंड द मैच्योरिटी नॉन बिजनेस इनकम कॉस्ट ऑफ ट्रेन एंड एयर टिकट फॉर द पार्टी टेकन ऑन कंसर्न टूर टू दिल्ली कॉस्ट ऑफ द ट्रेन एंड एयर टिकट फॉर पार्टी टेकन ऑन द कंसर्न टूर ऑफ दिल्ली तो दिल्ली में कोई प्रोग्राम है उसके लिए है ओके ना तो क्या आएगा एक्सपेंस होगा क्योंकि जब इनकम उसका कंसर्न का इनकम कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो उसके एक्सपेंसिव भी ट्रीट होंगे ओके ना ठीक है चलो मैं आगे पेमेंट टू द क्या दिया हुआ है ए कंपनिंग आर्टिस्ट इन द अबो पार्टी अब पेमेंट आर्टिस्ट मतलब आ रहे उसका को एक्ट बोलते को सपोर्टर जो को एक्टर होते तरीका पेमेंट टू द कंपनिंग कंपनी मतलब साथ में आर्टिस्ट इन द अबो क्या दिया भाई पार्टी तो इसका तो जो ऊपर का कंसर्न में प्रोग्राम जो था उसके लिए को आर्टिस्ट का को पार्टनर चाहिए था तो उसका भी तो क्या है एक्सपेंस है अदर रिसिप्ट ऑन द एवो टूर यस कोई आ रहे पसंद आ रहेगा प्रोग्राम में तो गिफ्ट कर देना ओके दादी अरे जैसे रामलीला मैदान में लक्ष्मण के रोल पे 20 रुपया मिला है मंडल का आभारी है ठीक है ना तो उस तरह का अवार्ड मिला रहेगा इनकम है प्रोफेशन से रिलेटेड है तो डोंट से द अदर सोर्स है इनकम मेरे प्रोफेशन से कंसर्न किसी भी फॉर्म में मिल रहा हो तो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है
car expense on the traveling to the local concern? Expense. Rent paid. Half premise used for the rehearsal. अगो रेंट पेड हुए अब हाफ प्रीमाइस यूज कर रिहर्सल के लिए तो हाफ रिहर्सल है तो हाफ उसके प्रोफेशन से कंसर्न हो गया, बाकी का हाफ हो सकता है उसका हाउस होल्ड रहेगा पर्सनली है ना, क्योंकि हाफ बोल रहा है उधर पे रिहर्सल के लिए। ओके ऐसा दिया कि हाफ बाकी ऑफिस के लिए मेंटेन किया है? नो, तो प्रिज्यूम दैट कि हाफ वो रेजिडेंशियल यूज करता रहेगा एंड बाकी का हाफ रिहर्सल करने के लिए यूज करता रहेगा। ठीक है, तो कितना अलाउड होगा बिजनेस के लिए? हाफ खाली। एंड देन दिया कलेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स बीइंग ट्रेन इन द म्यूजिक इन स्पेयर टाइम, क्या मतलब है? या सेपरेट टाइम में क्या करता है, किसी बच्चों को ट्रेन करता है तो उसके फीस मिलता है, तो भी क्या उसका इनकम है। प्रोफेशन पहला क्या दिया है? कंसर्न रिसीव्ड, कंसर्ट रिसिप्ट कि 24,000। फिर रिसीव फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर कितनी आए? 78। रॉयल्टी फ्रॉम HMB, HMV एंड म्यूजिक इंडिया 10,000। फिर क्या बच्चों? अमाउंट फ्रॉम LIC लू क्या? नो, उसका कॉस्ट ऑफ ट्रेन होता है एक्सपेंस है, बाद में लिखेंगे हम लोग। पेमेंट ऑफ कंपनी द आर्टिस्ट वो भी एक्सपेंस है। अदर रिसिप्ट ऑन अबाउट टूर, लाइट है कितना भाई? 65। कार एक्सपेंस रेंट कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बीइंग ट्रेन्ड इन म्यूजिक कितना भाई? 12,000। बस सॉरी 1,89,000 पक्का? चलो अब क्या करेंगे? लेस नो प्रोफेशन एक्सपेंसेस ऑफ प्रोफेशन 12 आया क्या? क्या क्या करूँ भाई? कॉस्ट ऑफ ट्रेन ना बराबर है कॉस्ट ऑफ, चलो मैं एक्सपेंसेस ऑफ प्रोफेशन बोलो तो कॉस्ट ऑफ ट्रेन और क्या था? एयर ना, टिकट फॉर पार्टी, रुकना अपने एयर में लिखू क्या? एयर टिकट भाई, तो देन क्या? पेमेंट ऑफ अकाउंटिंग द आर्टिस्ट, पेमेंट ऑफ ए कंपनी पेमेंट अकाउंटिंग द आर्टिस्ट, ऐसे क्या खाली किसे नहीं देख रहा है ना, बाकी लोगों को तो मैं करा ही रहा हूँ। कल उतना बड़ा वाला संपूर्ण तीनों आज हुआ। चलो भाई कितना है? 8,000। वो जानबूझ के मैं बोल रहा था कि सुने वो लोग चोर लोग। तो पेमेंट आप पार्टी हो गया, फिर क्या भाई? अदर रिसिप्ट तो इनकम था, कार एक्सपेंस, कार एक्सपेंस कितना भाई? 18,000 कार एक्सपेंस, बाप रे लग्जरी कार रहेगा भाई। देन क्या? रेंट पेड खाली हाफ करेंगे हम लोग, हाँ फॉर रिहर्सल
कितना आ जाएगा फिर 9000 तो 4500 आएगा, बराबर है। बस 44500 1,44,500 नीचे दिया है आंसर, ये रहा ना मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या गया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बराबर है प्रोफेशन। डॉक्टर सुरेश इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर बा, ओके ना। बिसाइड इज ओन प्रैक्टिस ही वर्किंग एज अ पार्ट टाइम फिजिशियन इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। ओन प्रैक्टिस मतलब आपका खुद का अपना प्रोफेशन भी है, क्लिनिक है, और किसी हॉस्पिटल में काम भी कर रहा है। तो हॉस्पिटल से जो भी मिलेगा वो सैलरी में आएगा, उसके अपने क्लिनिक, अब बहुत लेट समझी, खुद के क्लिनिक से जो भी मिलता रहेगा वो प्रोफेशन होएगा। तो क्या दिया हुआ है, डॉक्टर सुरेश इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर बिसाइड हिज ओन प्रैक्टिस, बिसाइड मतलब ओन प्रैक्टिस को छोड़कर, और क्या, अदर दैन, दैट्स बिसाइड मीन्स अदर दैन हिज ओन प्रैक्टिस ही वर्किंग एज अ पार्ट टाइम फिजिशियन, फिजिशियन डॉक्टर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, ओके, फॉर विच ही रिसीव द मंथली रेमुनरेशन, और उसके लिए उसको महीने का सैलरी मिलता है, बराबर। ही ऑल्सो अ कंसल्टेंट फिजिशियन ऑफ एक्स वाई जेड एंड कंपनी लिमिटेड ऑन अ मंथली रिटेनरशिप। इसके अलावा और किसी कंपनी में भी, कंपनी में भी कोई एम्प्लॉय लोग को कुछ हो जाता तो वो डॉक्टर अपॉइंट किए रहते हैं, वो डॉक्टर उनको ट्रीट करता है। तो क्या दिया हुआ है, ही ऑल्सो द कंसल्टेंट फिजिशियन फॉर द एक्स वाई जेड एंड कंपनी ऑन अ मंथली रिटेनरशिप। इट मीन्स थ्री पार्ट है, अरे थ्री पार्ट मतलब उसमें से दो पार्ट उसका सैलरी में आएगा और एक पार्ट कहाँ आने वाला है, प्रोफेशन में आने वाला है, ओके। द डॉक्टर मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ हिज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स। क्या क्या दिया भाई, कंसल्टेंट फीस रिसिप्ट, कंसल्टेंट फीस रिसिप्ट दिया है, ग्रॉस रेमुनरेशन फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल ये सैलरी में आएगा, रिटेनरशिप फीस फ्रॉम एक्स वाई जेड कंपनी ये भी क्या आएगा, सैलरी में आएगा, एंड द गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, क्यों एग्जम्प्ट है, नो पेशेंट है उसके, क्या दादा नादा लिखते, पोता पोती कोई भी, बहू जेठानी नहीं ना, जेठाउत कोई नहीं ना, अरे तो गिफ्ट उसको अगर उसके रिलेटिव से मिल गया तो ना, और अगर मान लो अगर शादी ब्याह का ओकेजन होगा तो फिर चलता था, तो कोई भी तो ओकेजन नहीं है, ओके, तो प्रोफेशन में आएगा। अब प्रॉब्लम है ये कि वो जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में दिया था कि वो रिटेन है, वो जो कंपनी में अपॉइंटेड है वहाँ पे दिया था या उसके क्लिनिक में दिया था, दैट इज कंसर्न है, बराबर ना, क्योंकि तीन जगह काम कर रहा है भाई वो, कौन बोला था तीन जगह काम करने के लिए, ओके ना, राइट ना, क्योंकि वो उसका अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहा है क्लिनिक में भी, उसके उसको हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है, और फिर क्या है वो कंपनी में भी उसको अपॉइंट किया था मंथली सैलरी के बेस पर, ठीक है, देखते हैं। बाद में क्या दिया, रेंट एंड द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑफ द क्लिनिक एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, कार मेंटेनेंस एक्सपेंस, आपको भाई तीन तीन जाना पड़ता भाई, तो कार लिया रहेगा तो कार मेंटेनेंस एक्सपेंस, वेजेज ऑफ क्लिनिकल असिस्टेंट यस कंपाउंडर एक्सपेंस, ड्राइवर सैलरी यस एक्सपेंस, LIC पर्सनल है। डेप्यूटी अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल मिला कहीं पे, ऑफ द फर्नीचर 300 एंड ऑन कार 6000 तो डेप्यूटी दिया है। अब आगे क्या दिया, 1/3 ऑफ द यूज ऑफ द कार एंड द टेलीफोन इज अट्रिबल टू द पर्सनल एंड प्राइवेट पर्पज। अब क्या बोला, 1/3 ऑफ द यूज ऑफ कार, जो कार है उसका 1/3 यूज अपने पर्सनल करता है, यानी पर्सनली घूमने के लिए, फैमिली को घुमाने के लिए, बेटा बोलता रहेगा मैं कार में जाऊँगा पटेली मारने के लिए कॉलेज, तो ये सब करता रहेगा पर्सनली 1/3। इसका मतलब जो भी एक्सपेंस कार का रहेगा उसका 1/3 पार्ट पर्सनल रहेगा, बाकी का 2/3 विल बी बिजनेस प्रोफेशन से कनेक्ट रहेगा। 1/3 ऑफ द यूज ऑफ द कार एंड द टेलीफोन इज अट्रिबल, अट्रिबल डिस्ट्रीब्यूटेड
टू द पर्सन एंड प्राइवेट पर्पज। तो जो कार का एक्सपेंस है उसका 1/3 कहाँ पे यूज हो रहा है, प्राइवेट पर्सनल पर्पज के लिए। इसका तो उसने प्रोफेशन के लिए खाली 2/3 यूज़ किया रहेगा, बराबर है? ओके, तो जो भी कार का एक्सपेंस रहेगा उसका 1/3 पर्सनली जाएगा एंड बाकी का 2/3 उसके प्रोफेशन से कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली टेलीफोन में भी वही है, टेलीफोन का भी 1/3 पर्सनल है एंड 2/3 प्रोफेशन से कनेक्टेड है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ द इनकम ऑफ डॉक्टर सुरेश। अब क्या बोला, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ द टोटल इनकम बोला, तो हम लोग को सैलरी भी करना सब करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। चलो भाई पहले बंद करो। पहला पैराग्राफ देखो, डॉक्टर सुरेश इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, बिसाइड हिज ओन प्रैक्टिस ही इज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। जब पार्ट टाइम वर्किंग, जब मैं किसी से पार्ट टाइम कर रहा हूँ मतलब 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा जो भी रहेगा, ये मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बन गया ना, कि मुझे अब 2 घंटा उधर जाना ही है, 4 घंटा जाना ही है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो गया, बराबर ना? तो रिमेंबर, तो ये मेरा सैलरी में आएगा। लेकिन उसके बाद जो दिया वो कंपनी में रिटेनरशिप दिया हुआ है। ओके, कभी कभी देखते हो जैसे कैंप लगता है। ओके, पेशेंट आया, पब्लिक आके खड़ी रहते, लाइन लगा रहता, डॉक्टर आया ही नहीं रहता है, हम लोग केस कर दे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो और नहीं जाओगे तो आपका सैलरी कटेगा, 4-5 दिन याद कर भगाओ। लेकिन इस तरह का जब एग्रीमेंट है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, तो देर इज नो ऑब्लिगेटरी। तो उससे देखो आगे क्या बोला है कि भैया, हाँ, ही ऑल्सो कंसल्टेंट फिजिशियन ऑफ एक्सवाइजेड कंपनी ऑन अ मंथली रिटेनरशिप। रिटेनरशिप महीने का उसको फीस मिलेगा, लेकिन वो एम्प्लॉई नहीं वहाँ पे। ओके ना, अब इस तरह के केसेस में क्या आएगा, अब मान लो कंपनी है तो हो सकता है वीकली 1-2 विजिट होएगा, उसमें वो पेशेंट को ट्रीट होएगा ऐसा। तो दिस इज नॉट विल कम टू द सैलरी पार्ट, वो अंडरलाइन द रिटेनर वर्ड। रिटेनरशिप मीन्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, हाँ, तो एम्प्लॉई की तरह नहीं होता वर्डिंग, ये एज अ प्रोफेशनल उस कंपनी में जाएगा वीकली 2 डेज या 3 डेज व्हाटएवर, और वो पेशेंट को ट्रीट करेगा, ठीक है? तो भी किस में आएगा, प्रोफेशन में ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी रहेगा, मान लो मंडे का डे है, जैसे मान लो कभी म्यूनसिपल हॉस्पिटल में देख लो, डॉक्टर मंडे का है, ओके, लेकिन आप जाके लाइन लगाए हो लेकिन डॉक्टर उस दिन नहीं आया, ओके ना, वही है, क्योंकि रिटेनरशिप है वो। तो रिटेनरशिप में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, तो दैट विल नॉट एज अ सैलरी उनको मिलता है, उनको खाली रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है ना, गिफ्टेड अवार्ड की तरह। तो उसको हम लोग प्रोफेशन में लिखेंगे। तो कितने हेड है इसके अंदर है, 2 हेड आएगा, एक सैलरी आएगा और एक प्रोफेशन आएगा। सो कंपोजिशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, किधर दिया बच्चों, ग्रॉस रेमुनरेशन मिला कहीं पे, ग्रॉस रेमुनरेशन। फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, कितना भैया, 24,000। चलो मैं आगे, ये तो ग्रॉस हो गया, और कुछ है क्या सैलरी मिला, कुछ और कुछ नहीं। शुड आई गो लेस, क्या तो कुछ लेस, क्या डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें पहला था स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है, आगे मत भागना, 16A। अब 50,000 है, लेकिन उसको ग्रॉस सैलरी तो खाली 24 ही है, ठीक है ना,
तो कुछ लोग ऐसा नेगेटिव, यहाँ पे जो डिडक्शन है 50,000 आफ्टर टोटल 50,000 है, उसकी सैलरी खाली 24,000 है, तो उसको 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो मैक्सिमम डिडक्शन उसको खाली 24,000 का ही मिलेगा, है ना। इसमें नेगेटिव इनका वो हाउस प्रॉपर्टी की तरह नहीं होएगा कि डिडक्शन ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव आएगा। ओके, सैलरी में आपको मैक्सिमम डिडक्शन, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, ठीक है। आपकी सैलरी अगर उससे कम है तो उतना ही डिडक्शन होगा। हाँ तो पूरा मिल, कहाँ पे लड़के है? ऑफकोर्स अगर 1,24,000 तो पूरा 50,000 बनता था, ठीक है ना। अगर ये 1,24,000 होता तो पूरा 50,000 पूरा माइनस करते हम लोग, पर अगर 24,000 है तो आप ये 50,000 डिडक्शन को नहीं दे सकते हो, तो फिर आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन कितना आएगा वो 24,000 ही रहेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अभी तक हम लोग सैलरी चैप्टर किए ना, ओके, तो ऐसा कोई केसेस नहीं था जहाँ पे कम सैलरी था, ज़्यादा ही था वो, तो पूरा 50,000 डिडक्शन था, ठीक है। बट अब ये 24,000 दिया हुआ है, ओके, तो पूरा 50,000 पूरा डिडक्शन ही मिलने वाला है, उसको खाली 24,000 ही मिलेगा। कॉलेज में एग्जाम कर रहा है क्या, इतने मिलेगा मतलब कम रहेगा तो उतने। तो मैं क्या बोला हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिमेंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, डोंट टेक एज हाउस प्रॉपर्टी की तरह। हाउस प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट है और वो एनएवी का 30% था, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नेगेटिव इनकम हो सकता है, सैलरी में नेगेटिव इनकम नहीं होएगा। आपका मैक्सिमम डिडक्शन आपके सैलरी के इक्वल हो सकता है, लेकिन सैलरी से ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा सैलरी वाले में, ठीक है। तो अगर मान लो अगर इधर 48,000 होता तो मैं 48 तक देता, 68 होता तो 68, तब 50, मैक्सिमम कितना आएगा 50,000 मिलेगा आपके, उस पर 24,000 ही आंसर दिया रहेगा पीछे, क्योंकि लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ओके ना, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको मैक्सिमम डिडक्शन 50 मिलेगा, अगर आपका इनकम 50 से कम है तो फिर उतना ही डिडक्शन मिलेगा उसको। चलो तो ये हो गया अनिल, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया अनिल, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है, इनकम फ्रॉम टेल प्रोफेशन, चलो कंसल्टेंट फीस, कंसल्टेशन फीस कितना भैया, 60,000। तो ऐसा लिखिए ना, सॉरी, रिसीव फ्रॉम, हाँ रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन, जागते रसीमा, उसके बाद क्या भाई, रिटर्नरशिप फीस, कितना भाई, 6,000 ना। और क्या है, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, अब गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट कुछ दिया नहीं कि कहाँ है, बराबर ना, तो फिर कैसे करेंगे, हाँ प्रोफेसर में ही लेने हैं, क्योंकि जब प्रोफेसर में तो ज़्यादातर गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट मिल रहा है, तो इसका तो वो तो मेरे फैमिली डॉक्टर है, है ना, फैमिली डॉक्टर है तो ज़्यादा क्लोज रिलेटेड रहते हैं। अब कंपनी मतलब तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनसे ज़्यादा क्लोज रिलेटेड नहीं रहते हैं, ओके।
द गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट. कितना है? फकत 10,000. 76 बराबर है लेस प्रोफेशनल एक्सपेंस, एक्सपेंस और पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ए प्रोफेशन. आगे मत मांगना, बहुत खड्डा है. क्या पहला दिया? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना भैया? 12,000. आगे मत भागना. टेलीफोन बिल. अब देखो जो टेलीफोन चार्जेस कितना अमाउंट है? 2,400. लेकिन उधर बोला था कुछ 1/3 उसका पर्सनल था, जिसका मतलब बिजनेस के लिए खाली 2/3 आएगा. 1/3 पर्सनल है ना. क्या कर रही है रे? 1600 रुपये आने वाला था, इतना कैसे ले रही है? 1/3 तो तीन हिस्से में से एक हिस्सा उसका पर्सनल है, तो बाकी का 2/3 हिस्सा विल बी द बिजनेस प्रोफेशन. ओके ना. तो 2400 था उसका 2/3 बराबर, तो 1600 रुपये आ रहा है. समझा कैसे गया? 2/3 उधर दिया कार एंड टेलीफोन. कार और टेलीफोन दोनों बोल रहा है. 1/3 पार्ट विल बी द पर्सनल यूज कर रहा है प्राइवेट यूज के लिए, तो बिजनेस का प्रोफेशन का खाली 2/3 यूज हो रहा था. चलो देन है प्रिंटिंग स्टेशनरी. प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना भैया? 500. कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. कार मेंटेनेंस 12,000. अब कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है सेम, कार में भी बोला 1/3 उसका पर्सनल है, तो 2/3 लेंगे हम लोग. कार मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना भाई अमाउंट? 12,000 ना, तो 2/3 8,000. फिर वेजेज ऑफ क्लिनिकल असिस्टेंट. क्लिनिकल असिस्टेंट ए इधर मोबाइल स्कूटी कर. कितना रहा भाई? कितना अमाउंट है? 3,600. चलो उसके बाद क्या भाई? ड्राइवर सैलरी. तो जब कार एक्सपेंस पर्सनल है तो कार में ड्राइवर भी तो यूज़ कर रहा था कि बिना ड्राइवर के चला रहा था घर के लिए पर्सनली? ड्राइवर को हायर किया रहा तो फुल टाइम हायर किया रहा है ना. और ड्राइवर का काम क्या है? खाली हॉस्पिटल के आने जाने के लिए. अब व्यस्त घर पे भी वो ड्राइव करता रहेगा फिर वो टाइम से वो टाइम के बीच में जो भी टाइम अलॉट रहेगा. ड्राइवर सैलरी कितना भाई? 3,600 इंटू 2/3 2,400. LIC लू क्या? नहीं लेंगे. आगे डेप्रिसिएशन दिया कुछ. डेप्रिसिएशन फर्नीचर. यस क्लिनिक है तो टेबल वेबल रहेगा. अब सारे पेशेंट सिंसियरली आके तोड़ के बैठते रहेंगे, कोई बच्चे लोग रहेंगे उछल कूद रहते रहेंगे क्या, तो तोड़ते फोड़ते भी हैं है ना सोहेल. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना ले लूँ? 6,000 इंटू 2/3. कार 1/3 पर्सनल यूज, तो कार से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है सबका 1/3 पर्सनल रहेगा. 4,000 12 करो जल्दी रे. 32,400 लेस कर दो. 4,600. चलो ये आ गया क्या आपका? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ गया. बराबर बच्चों
तो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे करेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम ए प्लस बी, तो ऊपर तो नील था 43,600। समझ में आया क्या क्या? ये द वन थर्ड ऑफ द यूज ऑफ द कार एंड टेलीफोन टू द पर्सनल प्राइवेट, इसका कार और टेलीफोन का जो भी खर्चा हो रहा है उसका वन थर्ड विल बी प्राइवेट है, पर्सनल है, तो टू थर्ड ही खाली बिजनेस के प्रोफेशन में आएगा। ओके तो जो भी कार और टेलीफोन से रिलेटेड मैटर है सब में टू थर्ड खाली निकालो, बराबर। चलिए हम लोग आगे, अब प्रॉफिट लॉस का है। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ बॉम्बे मार्ट ओन्ड बाय द मिस्टर प्रतीश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मिला? चलो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस है तो नेट प्रॉफिट से करेंगे। सैलरी बिजनेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी बिजनेस, कन्वेंस बिजनेस, कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस मंजे ट्रांसपोर्ट। ओके उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, अब वो लोन किस वजह से लिया है वो देखना पड़ेगा अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड, पर्सनल हो गया प्रोप्राइटर का। बैड डेब्स है प्रोविजन है, बैड डेब्स अलाउड। डोनेशन डिसअलाउड, बराबर ना। आगे दिया ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस इनकम, लेकिन जीएसटी रिफंड क्या अलाउड? कुछ भी अलाउड नहीं है, एट ऑल टैक्सेबल नहीं हो, सॉरी चना। तो वो बाद में बोलने छोड़ दो, पहले क्या वो मैं पकड़ रहा हूँ। जीएसटी रिफंड का इंटरेस्ट इनकम होता था और इंटरेस्ट अदर सोर्स में आएगा, खाली जीएसटी रिफंड दिया है तो नॉन बिजनेस इनकम, टोटली नो टैक्सेबल ना। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी होता था रिफंड पे तो अदर सोर्स में इंटरेस्ट आएगा, खाली जीएसटी रिफंड दिया तो इग्नोर एकदम। चलो आगे क्या दिया है? सैलरी इंक्लूड 6,000 पेड टू द प्रतीश एज हिज सैलरी, अब सैलरी में 6,000 का प्रतीश क्या है? ओनर प्रॉपर्टी अपने लिए जो भी लेता रहेगा वो सब क्या है? डिसअलाउड है, तो 6,000 रुपया डिसअलाउड हो जाएगा। अरे अजय भी आया है, कभी आए आप? हाल ही मेरे एकदम शांति बैठा था एकदम, बुखार हो गया था बाबू को। पर्सनल एक्सपेंडिचर और प्रिंटिंग, पर्सनल एक्सपेंडिचर और प्रिंटिंग प्रतीश ग्रीटिंग कार्ड हो माय गॉड 500 हैज बीन इंक्लूडिंग द टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी। अब ऊपर देखो टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी बिजनेस का तो है, लेकिन उसमें 500 रुपये उसका पर्सनल ग्रीटिंग कार्ड के लिए है, तो क्या आएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, बराबर ना। और अगर विजिटिंग कार्ड होता तो, विजिटिंग कार्ड होता तो, विजिटिंग कार्ड बिजनेस से रिलेटेड था, रिमेंबर याद रखने का, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो। ओके अभी क्या इधर पे दिया? ओन मार्ट है, तो कभी कोई भी दुकान में शॉपिंग कर रहे हैं, वो क्या था जमीन में कौन सा भाई, चॉइस सेंटर पे कभी जाओ तो एक कार्ड देगा आपको, पीछे कैलेंडर भी रहेगा और उसका आगे, तो एडवर्टाइजिंग ही है। तो विजिटिंग कार्ड नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो बिजनेस एक्सपेंस होगा, बट दिस इज नॉट विजिटिंग, इट इज़ अ ग्रीटिंग कार्ड, तो उसका वो पर्सनल है, दैट इज़ अ डिसअलाउड। ठीक है बस कंपटीशन इज ओके चल रहे, कंपटीशन है इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा? नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना भैया? 19,000। फिर क्या करते हैं हम लोग? ऐड नॉन डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस नॉन बिजनेस एक्सपेंस। चलूं तो सैलरी 18,000, लेकिन उसमें 6,000 पे उसका पर्सनल सैलरी था, सैलरी टू प्रतीस बराबर है ये डिसअलाउड 6,000। प्रिंटिंग में 500 रुपये का ग्रीटिंग कार्ड था,
ग्रीटिंग कार्ड कन्वेंस से बराबर इंटरेस्ट लोन के बारे में कुछ बोला है नहीं तो अज्यूम करने को बिजनेस से कनेक्टेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी फकत 2500। बैड डेट्स बिजनेस WF1 डोनेशन फॉर चैरिटी कितना भाई 500 बस कितना 3000 9500 28500 लेस नॉन बिजनेस इनकम नॉन बिजनेस इनकम बच्चों क्या है नॉन बिजनेस इनकम है टेल कौन कन्वीनियंट बोल रहा है भाई धरती वो जो कन्वीनियंट डेबिट साइड दिया हुआ था एक्सपेंस है बंदे सिंह ठक GST रिफंड कितना 2000 रुपये लाइट है और कुछ है बस ना चलो कितना आ जाएगा अभी 26500। अब क्या कहते हैं अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस कुछ दिया क्या प्रॉफिट लॉस के अंदर में नीचे नहीं अनरिकॉर्डेड इनकम कुछ भी है नहीं बस आंसर क्यों रॉन्ग दिया इतना हाँ बोलते क्या GST रिफंड या टैक्सेबल कुछ स्किन दे रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस